नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल बजरंगी में। दोस्तों आज मैं आपको मेमोरी सेल है उसके बारे में बताने वाला हूँ। 1 बिट मेमोरी सेल यानी स्टोरेज के लिए क्या कैसे यूज होता है, कैसे स्टोर होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ गेट है यहाँ पे, उसका यूज करके हम 1 बिट जो मेमोरी सेल है उसको बना सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो मेमोरी कोई भी हो उसके जो 1 बिट से स्टार्टिंग होती है, कोई भी आप चिप बनाइए, समझिए मेमोरी कार्ड आप बनाते हैं, तो उस जो मेमोरी कार्ड में अंदर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो 1 बिट आप मेमोरी सेल कैसे बना सकते हैं और कैसे बनता है उसके बारे में आज मैं आपको बता दूं। तो इधर देखिए मैंने नैंड गेट का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे गेट 1 और गेट 2 नैंड गेट है दोनों, और इसमें दोनों जो क्रॉस कनेक्शन दिया हुआ है क्रॉस कपल्ड है, यानी एक का आउटपुट दूसरे के जो इनपुट में गया हुआ है। यहाँ पर देखिए जो B1 है वो इनपुट है जो पहला गेट का है, उसका आउटपुट Q, और जो Q है ये जो इसका B2 यानी गेट 2 का इनपुट है, उसके बाद आउटपुट आएगा। तो इसमें जो एज्यूम करते हैं पहले कि जो कंडीशन है ऐसे है कि Q=1 है और B 1 ही होगा, Q 1 होगा यहाँ पे, तो इसका जो आउटपुट है यहाँ पे इनपुट यानी ये भी 1 होगा, और इसका जो आउटपुट आएगा वो सीधा इन्वर्ट आएगा, यानी यहाँ पे हम 1 देंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ नोट गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर Q 1 1 है तो जो B 2 होगा 1 होगा, इसलिए आउटपुट क्या आएगा कि B 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसका आउटपुट क्यू बार का क्या आएगा, क्यू बार यहाँ पे है तो क्यू बार का आउटपुट 0 आएगा। और इसमें अलग अलग स्टेट आते हैं कि आप जो ये 1 बिट मेमोरी स्टोर करते हैं वो 2 स्टेट में होता है, एक सेट स्टेबल जो स्टेट होता है और रीसेट स्टेट होता है। तो जो सेट स्टेट होता है उसमें Q1 जो होता है 1 होता है और क्यू बार 0 होगा, और रीसेट स्टेट में Q=0 होगा, Q bar = 1 होगा। ये कैसे होगा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे समझिए हमने 0 दिया है सेट स्टेट के लिए, यहाँ पे 0 इनपुट है तो इसका आउटपुट 1 आएगा, और ये जो आउटपुट है इसके इनपुट में जाएगा तो यहाँ पे 1 आया तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये सेट स्टेट में Q=1 आया यानी सेट स्टेट। अगर रीसेट स्टेट में देखें तो यहाँ पर इनपुट 1 है तो यहाँ पर आउटपुट 0 आएगा, और ये जो आउटपुट है यहाँ पर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका जो आउटपुट है Q bar 1 आएगा, यानी ये Q=0 हुआ और Q bar = 1 हुआ। यानी कोई भी एक समय सेट स्टेट में 1 बिट स्टोर होता है, यानी हम इसमें कोई इनपुट ना दे बाद में तो इसके जो स्टेट हैं वो जो इसके आउटपुट हैं वो स्टेबल रहेंगे, जो Q=1 और Q bar = 0 ही रहेगा। और रिसेस स्टेट में दूसरा स्टेट जो है उसमें Q=0 और Q bar = 1 ही रहेगा, अगर हम इसमें कोई भी अलग से इनपुट ना दें तो। यानी एक तरह से हम समझें कि इसको अगर हम एक बार इनपुट दे देंगे तो जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट जो पहले होगा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी एक समय हम 1 बिट मेमोरी इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, ऐसे वीडियो के लिए हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।